पर आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप यहाँ पे क्यों अमित फाउंडेशन में? मैं लास्ट बार कुछ एक थोड़ा सा मसला हुआ था तो यहाँ पे आया था सर को मिलने के लिए, कुछ बच्चे का ही प्रॉब्लम था। तो मेरे लाइफ का फर्स्ट टाइम था कि मैं ऐसे कुछ फाउंडेशन में आया था बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैं आया तो मुझे काफ़ी बुरा लगा कि जब ऊपर वाले ने हमको सब कुछ दिया है फिर भी हमारा जो दिल है ना भरता नहीं है कि हमको और पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जब इनको देखा तो मतलब थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि इनके पास कुछ नहीं है, फिर भी इन लोग को जो देखा ना हर क्लास में जो बच्चे बैठे थे बहुत खुश थे, पढ़ाई कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तो इनको देख के एक सुकून लगा कि हम क्यों इतना मतलब ये कर रहे ऊपर वाले से कि हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार, मतलब जो ऊपर वाले जिसको जो दिया है ना उसे में खुश रहना चाहिए। मतलब आज आपने आपका बर्थडे सेलिब्रेट इन बच्चों के साथ में किया? हाँ, बस वो उसी दिन मैंने सर को प्रॉमिस किया था कि थोड़ी देर दिनों के बाद मेरा बर्थडे आने वाला है, तभी सोच लिया था कि यहाँ वहाँ पार्टी करने से अच्छा है कि बर्थडे बच्चों के साथ सेलिब्रेट। सर अभी ऐसा सुनने वाला भी आप इलेक्शन में भी उचित लड़ने वाले? इलेक्शन में लास्ट बार भी इच्छुक था, अभी भी इच्छुक है। लास्ट बार तो आप लड़े थे ना? राजभर लड़ा था, फिर लड़ूंगा। हमारे बॉस है डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब, अगर उन्होंने चांस दिया तो जरूर लड़ूंगा। और अगर आप जीत जाते हो तो इन बच्चों के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? जरूर जरूर जरूर, अगर मैं जीत गया ऊपर वालों की दुआ से तो इन बच्चों के लिए जरूर ऐसे कुछ करूंगा कि किसी ने आज तक मुमरा में नहीं किया हो। और आज 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 मैं आपके माध्यम से, ठीक है मैं इतना कुछ बड़ा आदमी नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने हिसाब से दिल से मैं आज आपके माध्यम से बोलता हूँ कि मैं आज ही सर को मेरे तरफ से एक 10,000 का चेक दे दूंगा बच्चों के लिए।